बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां पर अभय चौटाला को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया गया है। केयर सिंह रावत और रणबीर गंगवा के विधानसभा ने इस्तीफा मंजूर कर दिया का विधानसभा ने इस्तीफा मंजूर कर दिया है। अभी हाल ही में दोनों ने भाजपा पार्टी ज्वाइन की थी। दोनों के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष को पद से हटा दिया गया है। इससे पहले इनेलो ने जेजेपी सपोर्टर चार विधायकों और रणबीर गंगवा पर कार्रवाई करने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के लिए विधानसभा को पत्र भी दे दिया था। बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, अभय चौटाला नेता प्रतिपक्ष पद से हटा दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिए गए हैं। केहर सिंह रावत और रणबीर गंगवा का इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है। उन्होंने हाल ही में पार्टी को छोड़ा है और साथ ही बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है। बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। कल केहर सिंह रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब दोनों के इस्तीफे के बाद अभय को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष अब नहीं है। इनेलो ने जेजेपी समर्थक विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अपील भी की थी पहले। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी शर्मा, तो केहर सिंह रावत और रणबीर गंगवा का इस्तीफा तो मंजूर हो चुका है, लेकिन बात अगर अभय सिंह चौटाला की जाए तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया गया है। देखिए दीक्षिका, अगर आप बहुमत की बात की जाए तो बहुमत के हिसाब से जब हरियाणा 2014 के चुनाव हुए तब जो इनेलो है 19 विधायकों के साथ हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी और अभय सिंह चौटाला नेता विपक्ष बने थे। उसके बाद इनके दो विधायकों की मौत हो गई थी, जिनमें से एक जो प्रेवा से संधु थे उनकी पोस्ट सीट खाली है, और जो जीन से थे उसके ऊपर विधायक हरिचंद मिड्डा जो मौत हो गई थी, उसके बाद जो चुने गए हैं उसके ऊपर बीजेपी के विधायक चुने गए हैं। तो इस हिसाब से और दो विधायक रणवीर गंगवा और केहर सिंह रावत जिस तरीके से बीजेपी में शामिल होंगे तो उनका जो समर्थन का आंकड़ा था वो बीजेपी से कांग्रेस से कम हो गया था। तो इसी के चलते शनिवार को नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला ने जो याचिका और अपना इस्तीफा दिया था कि मेरे इन दो विधायकों का और जो जेजेपी समर्थक चार विधायक हैं इन सभी के इस्तीफे मंजूर कर मेरा नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो है उस पर भी मेरा इस्तीफा ले लिया जाए। तो इसके कार्रवाई करते हुए आज किशन पाल गुर्जर ने इस पर फैसला लिया है। जी ओपी शर्मा, जब से जेजेपी का गठन हुआ है तब से कहीं ना कहीं ये लगता है, ठीक अभी लोकसभा चुनाव भी सामने है और उससे पहले जो लगातार इनेलो के साथ चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं इनेलो को बहुत ज्यादा मेहनत अपने आप को लोकसभा चुनावों में खड़ी रखने के लिए करनी पड़ेगी। देखिए दीक्षा, अगर बात की जाए गोहाना रैली के बाद इंडियन नेशनल लोकदल में जो उथल फुथल का एक दौर शुरू हुआ था वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी तो सिर्फ करीबन चार विधायक जो है जो जेजेपी समर्थित है उनके ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो दो विधायक पार्टी में बीजेपी में विधिवत तौर पर शामिल हो गए उनको लेकर आज फैसला हो गया है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और पार्टी के जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं चले जाएंगे, क्योंकि राजनीति एक अवसरवाद का एक जगह होती है जहाँ पे हर आदमी सर्वाइव करने के लिए आता है, उसको किसी जनसेवा इनसे कोई सरोकार नहीं होता है। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इनेलो से जिस तरीके से अभी तक तो छह विधायक ही गए हैं, तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो बीजेपी या कांग्रेस में मोबिलाइज कर जाए और कहीं ना कहीं से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी इन विधायकों को लेकर हो सकता है अंदर नीचे खाने बातें चल रही हो, और देखने वाली बात होगी कि अगले इलेक्शन से पहले क्या होता है। जी ओपी चौटाला की अगर बात की जाए तो ओपी चौटाला ने ये संकेत दिए थे कि बीजेपी के साथ इनेलो का गठबंधन हो सकता है। अब और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं इनेलो के लिए संजीवनी का काम कर जाए? देखिए दीक्षिका, इनेलो के लिए संजीवनी अब सिर्फ एक मात्र विकल्प जो बचा है वो जो है सूबे की जनता बची हुई है। सूबे की जनता इनके प्रत्याशियों के ऊपर कितना विश्वास करती है ये एक देखने वाली बात होगी, और जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते हैं लोकसभा के तब तक कुछ भी कहना जो है सही नहीं होगा। जहां तक बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो इसकी संभावनाओं के दौर खत्म हो गए, क्योंकि एक वक्त ऐसा होता था कि जब बीजेपी खुद इनेलो से गठबंधन करने के लिए जाती थी, लेकिन आज जो हालात है वो बदले हुए हैं। आज इनेलो जो है वो बीजेपी से गठबंधन करना चाह रही है, लेकिन बीजेपी की मजबूती जो सियासी मजबूती राजनीतिक तौर पे जो मजबूती देखी जा रही है उसको देखते हुए नहीं लगता कि बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में गठबंधन की अभी तक कोई संभावना है जो दिख रही है। जी शुक्रिया ओपी शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इनेलो ने जेजेपी समर्थक विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अपील की थी, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो दो विधायक है वो दो विधायक जिस प्रकार से बीजेपी में शामिल हुए, जिनमें
केएल सिंह रावत का नाम है, रणवीर गंगवा का नाम है, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। हाल ही में दोनों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के पद से अभय सिंह चौटाला हट चुके हैं।